चलिए शुरू करते हैं साबूदाना की पुलाव। तो इसके लिए पहले मैं एक बोल साबूदाना ले लिया, इसको मैं 4 घंटे भिगा के रखी हूँ। उसके बाद इसको पानी को, एक्स्ट्रा पानी को मैं पूरा स्ट्रेन करके रख दिया हूँ। अभी इसको साइड में रख रही हूँ। तो साबूदाना के पुलाव के लिए मेरे को करी पत्ता, नट्स, प्री बॉयल आलू और मिर्ची मैंने लिया है, स्वाद अनुसार मिर्ची लिया है और लेमन लिया है। तो पहले मैं गैस ऑन करूँगी। अभी इसमें मैं ये बादाम को थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, बादाम को अच्छे से रोस्ट करूँगी। थोड़ा 5 मिनट इसको अच्छा से रोस्ट कर लूँगी। आप चाहो तो इसको तेल में भी फ्राई कर सकते हो। अच्छा से ये रोस्ट हो ना। बादाम को अच्छे से रोस्ट करना है। अच्छा से रोस्ट हो रहे हैं। अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसका मैं स्किन निकल के फिर इसको थोड़ा क्रश कर लूँगी। तो बादाम रोस्ट होने में थोड़ा 5 मिनट टाइम लगेगा। ये आप रोस्टेड बादाम भी ले सकते हो, वो इजी हो जाएगा बनाने में। बहुत ही टेस्टी होता है, खट्टा मीठा होता है। उपवास के या फास्टिंग के टाइम पे आप ये बना के खा सकते हो।
और थोड़ा इसको रोस्ट करूंगी। अच्छे से रोस्ट होगा तो इसका पील भी आराम से निकल के आ जाएंगे। मेरा यहाँ पे रोस्टेड बादाम नहीं मिलता है, इसलिए मैं कच्चा बादाम को लेके आके फिर इसको फ्राई करके क्रश करूँगा, ये रोस्ट कर करके। इसको अभी मैं निकाल लेती हूँ, इसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको स्किन निकल के फिर मैं इसको मिक्सी में हाफ क्रश करूँगी। पूरा दरदरा पाउडर नहीं बनाऊँगी, हाफ क्रश करूँगी ताकि खाने का टाइम पे हमें मुँह पे आएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। तो इसको अभी मैं निकल के बाहर रखती हूँ। अभी मैं पैन में घी ले रही हूँ। साबूदाना खिचड़ी में घी बहुत ज़रूरी होता है, तेल से उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, तो मैं एक टेबल स्पून घी ले लिया। इसमें मैं अभी घी गर्म हो रहा है, अभी इसमें मैं थोड़ा राई डालूँगी और कड़ी पत्ता भी डालूंगी। मैं थोड़ा कड़ी पत्ता ज़्यादा ले रही हूँ, इसका बहुत अच्छा ये बहुत टेस्ट आता है। इसमें मैं अभी ये मिर्ची भी डाल रही हूँ। बहुत इजी है बनाना। ग्रीन मिर्ची मैं 3-4 ले लिया, आप अपना टेस्ट के हिसाब से लीजिए, लेकिन कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा रहेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी पत्ता। साबूदाना पुलाव में कड़ी पत्ता मस्त है, धोना ही पड़ता है। अभी इसमें मैं प्री बॉयल पोटैटो इसको ऐड कर रही हूँ। ऐड करके थोड़ा इसको मैं घी के साथ मिलाऊंगी। अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाए। आप प्री बॉयल छोड़ के ऐसा भी आलू छोटा छोटा पीस करके काट के आप फ्राई कर सकते हो डायरेक्ट। तो मैंने आलू को थोड़ा प्री बॉयल कर लिया, थोड़ा सा नमक दे के प्री बॉयल कर लिया। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी कलर लाने के लिए, मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा ऐड किया थोड़ा कलर आने के लिए। हल्दी हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो अभी इसमें मैं साबूदाना ऐड करूँगी। साबूदाना मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। पूरा पानी निकल के मैं साबूदाना को लिया हूँ। मैं 4 घंटे साबूदाना को धोने के बाद
फिर उसको एक घंटा पानी स्टीम करने के लिए रखी थी। आप देख रहे हो इसमें थोड़ा भी कुछ पानी नहीं है। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आप इसके बदले में तेल लेते थे तो ये पूरा चिपक जाता पैन के साथ, तो घी यूज़ करना ज़रूरी है। अभी इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। इसमें काला नमक बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड किया। इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ब्लैक सॉल्ट। और 1 स्पून मैंने शक्कर ऐड किया और इसमें 1/2 नींबू का नींबू मैं डाली हूँ। अभी सबको अच्छा से मैं मिक्स करूँगी। नमक और शक्कर आप अपना स्वाद के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो, तो इसको अच्छा से मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा कुक होने के लिए 5 मिनट मैं छोड़ूँगी। इतना बढ़िया कलर निकल के आए हैं। अभी मैं जो नट्स लिए हैं उसको थोड़ा क्रश कर लूँगी। थोड़ा मिक्सी में मैं इसको हाफ क्रश कर लेती हूँ। मैं हाथ क्रश कर लिया नट्स को। अभी इसमें नट्स थोड़ा ऐड कर रही हूँ। जो भी है मैं पूरा इसमें ऐड कर रही हूँ नट्स। अभी मैं ये नट्स को अच्छा से साबुदाना के साथ मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स हुआ। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश। तो मैंने किशमिश लिया थोड़ा इसमें ऐड कर दिया। आप चाहो तो इसमें काजू भी फ्राई करके डाल सकते हो। ये आपका टेस्ट का ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। तो अभी हमारा साबूदाना पुलाव बन के रेडी हो गया। सो गाइस, अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।